हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमनजन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने 1 ईयर के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न दिया, प्लस काफ़ी अच्छा जो है डिविडेंड, 1100% का डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो कि 22 रुपये के करीब होता है। और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस स्टॉक के अंदर दिखाई दी। अगर आप देखेंगे, मैं 2019 के अंदर ये स्टॉक चल रहा था 1600-1700 के करीब, और आज की तारीख में ये 2500 के भी ऊपर ये स्टॉक चल रहा है, 2600 के करीब। तो 1000 रुपीज़ का जो है यहाँ पे प्रॉफिट आपको इजीली एक साल के अंदर ही दिया है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 7-8-9 महीने ही हुए हैं। और ये कंपनी है एलकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड, 2615 के ऊपर अभी चल रही है इसका स्टॉक। तो आप चार्ट देखते ही पता कर सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न जो है इस स्टॉक ने यहाँ पे दिया है। इसका अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस में भी अभी वेरी बुलिश यहाँ पे दिया है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसका अगर आप देखेंगे मार्केट कैप 31,000 करोड़ का है, जो कि काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है, और 2 रुपये का जो है इसका फेस वैल्यू है। तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा डिक्लेयर किया कंपनी ने। और अगर आप देखेंगे तो एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड देते आई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इजीली जो है इसका जो एक्स डेट रहने वाला है वो 13 फेब 2020, और अगस्त में अगर आप देखेंगे तो 400% का डिविडेंड दिया था। फेब में 400% का डिविडेंड दिया था, और अब काफ़ी अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो इसके अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो नेट सेल्स जो है 1600 करोड़ के करीब था, और नेट प्रॉफिट 350 करोड़ के करीब, और लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 1530 करोड़ के करीब जो है नेट सेल्स था, और 241 के करीब नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट्स भी बढ़ते आया है। तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे एक मौका बन रहा है डिविडेंड का भी। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक अवेलेबल है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, और डिविडेंड के बाद भी आप चाहिए तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको रिकॉर्ड डेट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया आ सके। तो ये आप देख सकते हैं एलकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड ऊपर से 4th नंबर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 22 रुपये का जो है डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है, और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 2020 है, और इसका जो एक्स डेट है वो 13 फरवरी 2020। तो रिकॉर्ड डेट के पहले आपको लेने पड़ेंगे, और डीमैट के अंदर आना ज़रूरी है रिकॉर्ड डेट के दिन, तो ही आप एलिजिबल रह सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मेरे हिसाब से रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करिएगा, उसके बाद चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो आज इसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।